नागपुर के गीतांजलि टॉकीज चौक पर फायरिंग की घटना के सिलसिले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे घटना में इस्तेमाल हुई एक पिस्तल, एक कारतूस और एक गाड़ी जब्त की है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। बीते कुछ दिनों पहले तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले फिरियादी मोहसिन अहमद व मुस्ताफ अहमद पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें फिरियादी के जांघ पर गोली लगी थी। इस मामले में अथक परिश्रम कर करीब 30 से 40 सीसीटीवी फुटेज को खंगालने, सभी गुप्त सूत्रों को सक्रिय करने के बाद अंततः तहसील पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। बता दें कि घटना के कुछ दिनों पहले फिरियादी और मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद मुस्फिक खान और मुस्तावल मोहम्मद शकील के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसका प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको ज्ञात है कि दिनांक 9 अगस्त के दिन पहेटे 5 बजे शहर के सबसे इम्पोर्टेंट चौक गीतांजलि चौक में फायरिंग की वारदात हुई थी। जाफरनगर निवासी मोहसिन अहमद वल्द मुश्ताक अहमद उम्र 35 साल जाफरनगर पीएस गिट्टी कदम ने अपने दोस्तों के साथ दिनांक 9 अगस्त को करीब 4 बजे ताजबाग में सलामी लेने गए थे और जब वो सलामी लेके वापस आ रहा था तो उसके दोस्त ने उनको गीतांजलि चौक पे छोड़ दिया और वो फिर गीतांजलि चौक से भगवागढ़ जा रहे थे तो पीछे से आरोपी मोहम्मद मुस्फिक उर्फ मुस्सा खान और अल्ताफ से इन्होंने कंट्रीमेड पिस्तौल से उसके ऊपर फायरिंग की थी जो उनके पाँव को लगी थी। आरोपी को मेयो हॉस्पिटल में उपचार के लिए दाखिल किया था। उसी दिन आरोपी मोहम्मद मुस्फिक खान उर्फ मुस्सा वल्द मोहम्मद शकील खान अल्ताफ शेख इनके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध क्रमांक 684/21 कलम 307 IPC कलम 325 भारतीय हत्या कायदा के प्रकरण पंजीबद्ध किया था। जैसे ही घटना का वारदात होती हमारे टीम को हमने चारों तरफ भेज दिए थे। हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि आरोपी छिंदवा के तरफ भागे हैं। पुलिस ने इस गोलीबार कांड से जुड़े आरोपी मोहम्मद मुस्फिक खान और मुसाफल मोहम्मद शकील, कामरान नकीब और कम्बू बल अशफाक अहमद, सैयद इमरान और इमू बल सैयद जमील और अल्ताफ मिर्जा व इकबाल बेग को गिरफ्तार किया है और उनसे घटना में इस्तेमाल हुई एक पिस्तल, एक कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।